हरियाणवी लोकल ओल्ड सॉन्ग है मेरे पछे पछे मेरे पछे पछे आवन कावलम आवन आवन कावलम कौन सा मतलब तेरा से दैट्स अ हार्ड वन कौन सा मतलब तेरा से दोबारा मेरे पाछे आवन का भला कौन सा मतलब भला कौन सा मतलब तेरा से टैनिंग पसंद है इनको काला होना अच्छा पसंद है ये कहते हैं हमारे वहाँ पे ऐसी टैनिंग होती नहीं यहाँ पे होती है तो इनको पसंद है दे आर एंजॉयिंग योर ओके तो राम राम सारियाना है राम राम जितने भी लोग देखे जितने लोग देखा सारियाना राम राम बावन गज का दामन पहरे मटक चालूंगी दोबारा रिपीट बावन गज का दामन पहर मटक चालूंगी पहर मलक चुकुरनी मटक चालूंगी सारे दर्शकों ने राम राम में मनजीत कोत है फिलहाल नारनुद में हाँ और ये आप देखने लाए अमेरिका से टीचर मैम आई है इनसे बातचीत करांगे इंडिया आने पर इन्होंने कैसा लगा हेलो मैम हेलो हाउ आर यू आई एम गुड हाउ आर यू वेयर आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूएसए यप बहन जी इनसे नु पूछो कि मतलब यहाँ आने पर कैसा लगा हाउ डिड यू फील इन इंडिया हाउ डू आई फील इट्स हॉट बट इट्स ब्यूटीफुल एंड द पीपल आर अमेजिंग क्या गर्मी है आर यू एंजॉयिंग द वेदर एम आई एंजॉयिंग द वेदर ऑनेस्टली इट्स अ लिटिल हॉट बट आई कुड गेट यूज्ड टू इट हरियाणवी लोग कैसे लगे कह रहे इनको आदत पड़ गई है गर्मी की लेकिन शुरू में इनको बहुत गर्म लगा अच्छा हरियाणवी लोग कैसे लगे जो यहां How's Haryanvi people? Very welcoming and loving. बहुत प्यार करने वाले और बहुत welcome करने वाले. यहाँ क्या अच्छा लगा यहाँ पर Okay. What did you like in India special? What is special about India? What is special? The people and the food. खाना और लोग. Though it was spicy, but still she enjoyed. It's the flavors. Yeah, the flavor of the food. Flavorful. Actually, India is known as a country of spices. Yeah. So yeah. I love the flavor of the food. It's very different than what we have there because there it's very plain, or you need like sauce. Yeah. Here you don't. Yeah. So your smile looks cute. Thank you so much. Thank you. बहन जी और पूछो मतलब जो खाने में जलेबियां थी और भी खाना था उनमें वो कैसे लगे? Okay, he is asking about sweets like jalebi that you know, the round one. Yeah. I love it. And laddu that you know. I think the best thing about the desserts here is how fresh the milk is, right? Because all of the desserts have the milk. The milk here is really good. जो दूध के बने प्रोडक्ट्स वो सारे जो भी दूध वाली जो मिठाइयां वो सारे इनको पसंद है दूध पिला बहन जी इनको Have you tasted the milk as well? Yeah, I have. Many different ways too, the milk. It's very different than what we have in the US actually because USA से अलग है यहां का दूध ना Our milk is very like processed. Yeah. Here it's very fresh. Yeah. वहाँ से अच्छा है या फिर कैसा है वहाँ से अच्छा दूध है यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्ट है मतलब डायरेक्ट हमें सीधा हमें यू प्रोसेस होके नहीं मिलता अच्छा। हम बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलता सीधा है, मिलता है। बहन जी कुछ हरियाणवी शब्द बोलना चाहेंगे वो बोल वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स इन हरियाणवी यस लेट्स डू इट अभी मजा आएगा ना भिड़ो के जी में है के सोदा है किंडा दूंगा अच्छा और कुछ सॉन्ग है सॉन्ग बोलना चाहे मतलब रिपीट करवाना चाहे ओके ही वांट यू टू रिपीट सम सॉन्ग ओके गो इजी ऑन मी दो ओके हरियाणवी लोकल ओल्ड सॉन्ग है मेरे पछे पछे आवन कावलम
कौन सा मतलब तेरा से? That's a hard one. कौन सा मतलब तेरा से दोबारा मेरे पास से आवन का बला कौन सा मतलब बला कौन सा मतलब तेरा से The meaning of this song is why you are following me again and again. I'm following you. एक जो पत्नी होनी अपनी पति को बोलती है सुनो सगे वो बुलवाना है. Female is following her husband. Oh, okay. So he wants the music here is amazing though. Yes. I love it. I got to hear it yesterday. Yes. So. सुनो सगे. ये बताओ मतलब अपने पति को बोलती है सब. Are you listening me? The meaning of this. Oh, is, Suno soke. Are you listening? Yeah. Am I what? Are you single? Yes, I am. Haryana mein shaadi karwa di aapke. Would you like to get married in Haryana? We don't know yet. Depending on where I get, right? Depending. You never know. Maybe she can also get a guy like Jasbir, like, as Lexi got in. You never know, right? Yeah. Never know. Yeah, you never know. अच्छा कितने दिनों रहना चाहोगे यहाँ पर? How many days you will like to stay? I'm staying for another week, one more week. एक हफ्ता. गर्मी बहुत ज़्यादा है या मतलब शरीर पे भी काली नहीं हो जाएगी इस तरह की गर्मी में? He is saying it's very hot. Don't you feel like you will get tanned in India? I hope so because I get white there, so I came here to get tan. मौसम सेट हो जाए. Tanning is in fashion. It's very much in trend. So you would love to, you know, get tan. Yeah, I want to get a tan. Yeah. Tanning पसंद है इनको. अच्छा. काला होना. अच्छा पसंद है. हाँ. कहते हैं हमारे वहाँ पे ऐसी tanning होती नहीं, यहाँ पे होती है तो इनको पसंद है. They are enjoying your life. Okay. तो फिर कितने दिन रुकोगे यार? कितने दिन रुकना? बता तो दिया, एक हफ्ता रुकेंगे. एक हफ्ता और बता तो दिया. अच्छा. एक सॉन्ग है 52 गज का दामन है, वो हरियाणा फेमस सॉन्ग है, वो विदेश में सुने गए जी पूछ में. 52 गज का दामन है. दामन पैर मटक के चलूंगा. बावन गज का दामन पहरे मटक चालूंगी. दोबारा रिपीट. 52 गज का दामन 52 गज का दामन पहर मटक चालूंगी. पहर मलक चुकुरनी मटक चालूंगी. तो ये थे हमारे साथ मैम थी और बहन जी है, मतलब अमेरिका से मैम आई है, ये बच्चों को पढ़ाई करवाती है, इंग्लिश की टीचर है, ये जो आईलेट्स पीटी करना चाहे उनकी टीचर है. तो जो विदेश में भेजने का सपना है, एक जो विदेश में जाऊंगा उनकी हेल्प कर दे, मतलब इस तरह उड़ते जाऊँ. वह है कि जो बच्चे मेरे को वहाँ अगर US में आते हैं तो शी वुड लव टू वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स, शी इज इन अ हैबिट ऑफ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स. बच्चों की हेल्प करना इनको पसंद है. बिल्कुल. तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ तो कर ही रही हूँ हेल्प, लेकिन अगर US में बच्चे मेरे से कोई हेल्प लेते हैं रिगार्डिंग इंग्लिश तो ये वहाँ भी हेल्प करेंगे. योर स्माइल लुक्स क्यूट अगेन. थैंक यू. तो बातचीत करिए भैया, आपने किसा लगा? एक सब कमेंट के जरूर अपनी राय रखनी. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.